डिस्कशन करने जा रहे हैं नए। देखिए ये यहाँ पर मैंने छोड़ा था टॉपिक कि आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, लेकिन आज हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम हमारा है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अपने टॉपिक का नाम, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। अब भैया ये ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो बहुत से तरीके हैं ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करने के, बताने के कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वो चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं। देखिए क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज acquired by the element in a species when all other elements are removed in the form of ions. अगर दूसरे element remove कर दिए जाए तो उसके ऊपर जो charge बचता है वही कहलाता है oxidation number या oxidation state कहलाता है। Oxidation state में also be defined as the charge present on an atom after loss or gain of electron. जब भी electron loss और gain होता है उसके बाद उसके ऊपर जो charge आता है वही इसका oxidation state कहलाता है। ये भी definition oxidation state की दी जाती है। फिलहाल oxidation state की definition इतनी important नहीं, लेकिन एक convention जरूर important है कि oxidation state और valency में क्या difference है। Oxidation state क्या होता है, एक charge होता है। When an atom of element gain after loss or gain of electron during the combination in the form of a molecule or ion. लेकिन valency is the combining capacity होती है। Valency positive negative नहीं होती, लेकिन oxidation state positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, zero भी हो सकता है। वैलेंसी जो होती है वो कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगी, एक जिसे बोलते हैं होल नंबर में साइन के साथ में रिप्रेजेंट नहीं की जाएगी, बात आप ध्यान रखिएगा। वैलेंसी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं की जाएगी, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में भी आ सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के कुछ रूल्स रेगुलेशन है उनकी बात करेंगे पहले, और उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के साथ में बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कैसे जाता है और ऑक्सीडेशन नंबर कुछ का निकालते कैसे हैं। ये सब चीजें आपको आज की इस पूरी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप वाकई में जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी पीजीटी की केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि मैं आपको ये कहूं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कॉमनली हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन हो जाती है, लेकिन अगर हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन की बात करें, हम पॉइंट वाइज आपको बताते चलेंगे, नंबर वन लिख रहा हूं यहां पर, अगर हम हाइड्राइड्स की बात कर लेंगे तो हाइड्राइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, हाइड्राइड्स में HDRIDES हाइड्राइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन हो जाती है, बात ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे हाइड्राइड्स में अगर हम बात करें तो CaH2 का एग्जांपल भी आ सकता है, इसी तरीके से यहाँ पर NaH का एग्जांपल भी आ सकता है, तो ये हाइड्राइड्स की बात चल रही है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जितने भी एल्कली मेटल होते हैं उनकी सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, एल्कली मेटल्स, जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं इनकी एल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कॉमनली प्लस वन ही होती है। अब एल्कली मेटल में मुझे आपको बताना नहीं पड़ना चाहिए, यहां पर आपका लिथियम आ जाना चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, इस तरीके से आ जाना चाहिए। तीसरे की बात कर लेते हैं, अगर हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं तो जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो प्लस टू होती है, ये बात भी आपको पता रहनी चाहिए, यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू रहेगी। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली तो माइनस टू होती है, लेकिन अगर हम लोग परऑक्साइड में चलते हैं, जैसे कि मान लो परऑक्साइड का एक एग्जांपल ही लेते हैं, H2O2 ले लेते हैं, चाहे तो Na2O2 ले लीजिए, चाहे तो BaO2 ले लीजिए, ये सभी एग्जांपल हाइड्रोजन के परऑक्साइड के हैं, वो सॉरी ऑक्सीजन के परऑक्साइड के हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन आ जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी माइनस वन याद रखिएगा। और अगर हम लोग क्लोराइड्स की बात कर लेते हैं, OF2 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हो जाती है। और अगर हम लोग सुपर ऑक्साइड K2O की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर माइनस की हाफ आ जाती है। चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस टू हो जाएगी, प्लस टू प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
ये तो जीरो के बराबर हो गई, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर सॉरी ये आ गया आपका -2, तो सॉरी यहाँ पर -2 लिखना था, तो इस तरीके से सॉरी के टू ओ लिख गया है ये, सॉरी ये ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड नहीं है, सुपर ऑक्साइड में के ओ टू आता है, तो यहाँ पर मैं के ओ टू मुझे लिखना चाहिए था, मैं इसे मिटाता हूँ, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, और यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑक्साइड मुझे सुपर ऑक्साइड के ओ टू लिखना था यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं के ओ टू लिख देता हूँ इस तरीके से, के ओ टू लिख देता हूँ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूँ तो वही मैंने यहाँ पर लिखना लिखने की कोशिश भी की थी, तो यहाँ पर आपका +1 हो गया, और प्लस यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 0 हो जाता है, 2x इज इक्वल टू यहाँ पर -1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -1/2 हो जाती है, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं हम लोग, ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट पे अगर हम लोग चलते हैं, तो फिफ्थ पॉइंट हमारे लिए समझाता है कि जितने भी हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है, यानी कि फिर कल बाहर आई आंटी, तो इसमें आंटी को तो हटा दीजिए, लेकिन फिर कल बाहर आई, अब कौन आई है तो आप ही जानते होंगे, इनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1 होती है। साथ में एक चीज और ध्यान रखना, जो सीएन होता है उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही होती है, और एक बात आपको जो याद रखनी, जितने भी आयंस हैं, चाहे वो कोई भी आयंस हो, जैसे कि मान लो SO4 डाइन नेगेटिव है, तो जितना इसके ऊपर चार्ज होगा, CO3 डाइन नेगेटिव है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाती है, अगर फॉस्फेट आयन को हम ले लेते हैं तो फॉस्फेट आयन में -3 हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरीके से कोई भी आयन है जिसके ऊपर, जैसे NH4 पॉजिटिव आयन है, तो इसके ऊपर +1 हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो भी आयन है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जितने भी जैसे कि मान लो अगर कहीं पर हम लोग ये बोल देते हैं कि फ्री मेटल है, जैसे कि अगर मान लो फ्री फॉर्म में है मेटल, जैसे जेडन है, तो जेडन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, अगर फ्री फॉर्म में है Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना, इसी तरीके सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फ्री फॉर्म में है तो 0 होगी, अदरवाइज इनके ऊपर जो चार्ज होगा वही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम लोग निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय सबसे इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी मॉलिक्यूल फॉर्म में है, जैसे कि मान लो P4 है, S8 है ना, इस तरीके से जो भी मॉलिक्यूल फॉर्म में CO2 है, इनके सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको 0 ही आता रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हमेशा याद रखनी है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप याद रखेंगे तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग एग्जांपल के साथ में चलेंगे और अभी आपको बताएंगे कि फ्रैक्शन में भी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ की निकाली जाती है, पूरी वीडियो को देखिएगा, लास्ट में जरूर बताएंगे, जो पैराडॉक्स होते हैं उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकाल करके दिखाएंगे, तो वो चीज भी आप देखेंगे, तो उससे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। चलिए आइए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं क्या वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए KMnO4 में K की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, Mn की x मान लीजिएगा, और ऑक्सीजन की -2 होती है, और 4 ऑक्सीजन है, तो ये इज इक्वल टू, टोटल पे चार्ज कोई है नहीं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, तो यहाँ पर +1 हो गई, +x हो गई, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, ये KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। इसी तरीके से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो सेकंड नंबर पे हम लोग K2MnO4 भी देख सकते हैं, यहाँ पर K2MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ +2 हो जाएगी, यहाँ पर x हो जाएगी, -8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर +6 आ जाएगी, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज की दो ऑक्सीडेशन स्टेट, एक +7 भी आ रही है, कि यहाँ पर +6 भी आ रही है, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट आप ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालने जा रहे हैं, तीसरे नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका नाम है आपका Cr2O7 डाई नेगेटिव, यहाँ पर 2x मान लीजिए, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो यहाँ पर 2x कर दिया, यहाँ -7 टू जा 14 हो गया, इज इक्वल टू -2 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू यहाँ पर 12 -2 यानी कि आपका बचा 12 बचा, और x इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस का 6 यानी कि यहाँ पर प्लस की 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट लगातार निकालेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग K2Cr2O7 में
K2Cr2 7 में Cr की निकाले तो शायद आप निकाल ही लेंगे। तो ये पांचवा एग्जाम्पल आपके सामने है। अब लगातार हम बात करते रहेंगे। इसके बाद अगर हम लोग मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं H2SO4 में सल्फर की निकालना चाहते हैं तो सेम मेथड से निकालिएगा। यह प्लस टू हो जाएगा, यहाँ प्लस एस लिख लो चाहे एक्स लिख लो, 4 × 8 या -8 = 0 हो जाएगा। तो X = यहाँ सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी यहाँ पर आपकी +6 आ जाएगी इस तरीके से। अगर मान लीजिए 7 में हम लोग HNO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो +1 हो जाता है, +X हो जाता है, -6 = 0 हो जाता है, X = यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग 7 पे चलते हैं, 8 पे चलते हैं। यानी 8 में क्या है कंडीशन, 8 में हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल है आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल डालने जा रहा हूँ, CCl4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा। नवा एग्जाम्पल आपके सामने डालने जा रहा हूँ, H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद 10वां एग्जाम्पल डालने जा रहा हूँ, H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद 11वां एग्जाम्पल आपके सामने देने जा रहा हूँ, इसी तरीके से H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरीके से 12 में जाने डालने जा रहे हैं कि जो यहाँ पर कंपाउंड है Fe3O4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। 13 पे चले जाइएगा, CaOCl2 में यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट। और 14 पे चले आइएगा, इसी तरीके से Pb3O4 में Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट। 15th स्टेप में चले आइएगा, 15th स्टेप में अगर हम लोग 15th स्टेप में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट FeCl3 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट। 16th में चलेंगे यहाँ पर FeCl2 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट। 17th में यहाँ पर चलेंगे इसी तरीके से CH4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। 18 पे चलेंगे यहाँ पर हम लोग CHCl3 क्लोरोफॉर्म में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरीके से 19 में यहाँ पर चलेंगे हम P4 में 3- इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। 20 पे यहाँ पर चलेंगे CO3- में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरीके से 21 पे हम लोग चलेंगे यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास में है, हाँ CrO4- का एग्जांपल है। उसके बाद 22 पे चलेंगे हम यहाँ पर Cr2O7- शायद मैं पीछे लिख भी चुका हूँ। 23 पे चलेंगे हम लोग यहाँ पर एक और भी एग्जांपल है ग्लूकोज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट C6H12O6 में कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट। निकाल करके बताइएगा कि ग्लूकोज में क्या आ रही है। और इसके बाद एक एग्जाम्पल हमारे सामने और है SB2O5, यानी SB2O5 ये मैंने सब एक पेपर पर लिख रखे हैं, SB2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट। और 25वें में आप निकालिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है यहाँ पर Cl4 में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैं भी आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल ये डिस्कशन करूँगा, एक एग्जाम्पल ये डिस्कशन करूँगा, एक ये करूँगा, है ना। और इसी तरीके से बाकी एग्जाम्पल आप लिख करके बताइएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम बात करने जा रहे हैं H2SO5 की। तो यहाँ पर हम लोग अगर H2SO5 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सल्फर की, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम लोग H2SO5 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो H2SO5 का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमारे सामने ये वाला स्ट्रक्चर H2SO5 का हमारे सामने स्ट्रक्चर 1, 2, 3 और 2, 5 इस तरीके से आएगा। ये दोनों परऑक्साइड के ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये कॉमन ऑक्सीजन दिखाई दे रहे होंगे आपको इस तरीके से। ये आपका H2SO5 है ना, तो ये +1 हो गया, ये +1 हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें H2SO5 में S की, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर S ये आपका हाइड्रोजन +2 हो गया, सल्फर को हम X मान लेते हैं और ऑक्सीजन 5 में से जो है वो 3 ऑक्सीजन -2 वाले हैं, तो यानी कि प्लस, यानी 3 ऑक्सीजन -2 वाले हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे ऐसे लिख देता हूँ कि यानी प्लस, यानी 3 ऑक्सीजन -2 वाले लिख दिए और +2 ऑक्सीजन -1 वाले = मैंने यहाँ 0 लिख दिया। तो अब लिख सकते हैं +2 + X - 6 और +-2 = 0, तो X = यहाँ पर +6 आंसर आ जाएगा।
इस तरीके से हम लोग कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल करके लिख सकते हैं, तो ये एक्सेप्शनल केसेस कहलाते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केसेस आप जरूर ध्यान रखिएगा, तो ये एक्सेप्शनल अगर आपको याद रहेंगे तो एग्जाम में बहुत बड़ी मदद आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से H2S2O8 के अगर स्ट्रक्चर को देखना चाहे तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। H2S2O8 का अगर स्ट्रक्चर देखना चाहिए आप तो देखिएगा H2S2O8 का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं H लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर O लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर सल्फर बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन बना दे रहा हूँ, यहाँ पर दो ऑक्सीजन बनाऊंगा, यहाँ पर एक सल्फर बनाऊंगा, इस तरीके से यहाँ पर। अब यहाँ देख रहे होंगे आपको कि H2S2 इसे मार्शल एसिड के नाम से भी जानते हैं, मार्शल एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये कहलाता है मार्शल्स एसिड भी कहलाता है। इससे पहले वाला जो था ये कैरोज एसिड के नाम से भी जाना जाता था, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, कैरोज एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं मार्शल एसिड पे। और मार्शल एसिड क्या कह रहा है, यहाँ पर सल्फर देखिए दो ऑक्सीजन जो है वो परऑक्साइड वाले आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर H2S2O8 में हम लोग चलते हैं तो ये तो हाइड्रोजन तो +1 × 2 हो ही गया, ये 2x भी हो गया, ये भी पक्का है। लेकिन 8 में से जो दो ऑक्सीजन है वो परऑक्साइड वाले हैं और बचे हुए 6 ऑक्सीजन जो है बचे हुए 6 ऑक्सीजन जो है -2 वाले हैं, तो =0 हो गया। ये +2 हुआ, ये +2x हुआ, ये -2 हुआ, ये -12 हुआ, =0। ये और ये उड़ा दीजिए तो 2x = 12 हो जाता है, x = +6 आ जाएगा, ये पक्की बात है, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे फिर देख लेते हैं। एक बात और आपसे डिस्कशन, CaOCl2 और ब्लीचिंग पाउडर और डिस्कशन करूंगा आपसे। देखिए CaOCl2 जब बना होगा तो ये बना होगा, इसे तोड़ लेते हैं, सी ए डाई पॉजिटिव आयन में टूटा होगा और ओ सी एल नेगेटिव में और सी एल नेगेटिव में। तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 दिखाई दे रही है और ये ओ सी एल में देख लेते हैं -2 + x = -1, तो x = +1। तो एक क्लोरीन तो यहाँ +1 वाला है, दूसरा क्लोरीन -1 वाला है, तो ब्लीचिंग पाउडर में एक क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, दूसरा क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ये एक्सेप्शनल केसेस है जो आपको हमेशा याद रखने हैं और ये एक्सेप्शनल केसेस आपको हमेशा कंफ्यूज भी करते रहेंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे ही बहुत सारे एक्सेप्शंस आप करिएगा, एग्जांपल एक्सेप्शन के तो नहीं लेकिन कॉमन एग्जांपल बहुत सारे हैं जिनके जो मेरे पास कलेक्शन है, उन कलेक्शंस में से कुछ एग्जांपल मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल के प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जरूर लगेगा कि हमने कुछ प्रैक्टिस करी है। देखिए एक तो सबसे पहले आप फ्रक्टोज में सॉरी सुक्रोज में C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा। दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट आप Na3PO4 में फॉस्फोरस की निकालिएगा। तीसरी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको PB3O4 में PB की निकालिएगा। चौथी ऑक्सीडेशन स्टेट आप CH2 कार्बन की निकालिएगा, कार्बन की यहाँ निकालनी है, फॉस्फोरस यहाँ भी कार्बन की निकालनी है, CH2Cl2 की निकालिएगा, इस तरीके से कार्बन की निकालनी है। पांचवी लास्ट जो आपको दे रहा हूँ वो केवल एक ही है जिसका एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आपका क्या है एग्जाम्पल CHCl3 क्लोरोफॉर्म में कार्बन की, तो ये निकालिएगा, इजी है, सिंपल है, निकाल लेंगे आप, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसके बाद मैं आपको बहुत सी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ और वो प्रैक्टिस है आपके पास, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट लीजिए, फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने रखा हुआ C3O2 का, ये C3O2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। C3O2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो ये बन जाएगा आपका 3x - 4 = 0, x = हो जाएगा 4/3, यानी कि 4 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, ये ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में चली जाएगी। यानी यहाँ पर कार्बन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो 1.33 आती है। दूसरा Br3O8 है हमारे पास एग्जांपल, ये Br3O8 एग्जांपल है, यहाँ पर हम लोग 3x लिख लेते हैं, माइनस का 16 लिख लेते हैं, =0 करते हैं तो 3x = हो जाएगा आपका 16, तो x = 16/3 हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15 हो जाता है, और 3 × 5 = 15 और बचा हमारे पास 1 × 3 = 9, 3 × 9, इस तरीके से ये आ जाएगी। एक एग्जांपल हमारे पास S4O6 डाई नेगेटिव का है, तो यहाँ पर हम 4x - 12 मान लेते हैं, −2 हो जाता है, 4x = हो जाएगा आपका 10 बचेगा हमारे पास में, तो x = हो जाएगा
10 डिवाइडेड बाय 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 2.5 आ जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता रहनी चाहिए जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो ये एग्जाम्पल जो होते हैं, ये एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम में थोड़े परेशान करने वाले होते हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अधिकतर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्शनल ही आती हैं, जितनी भी एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो एक्सेप्शंस आप ध्यान में रखिएगा। एक्सेप्शंस में जैसे कि अधिकतर जो पूछी जाने वाली है, H2SO5 पूछ लेते हैं, H2S2O8 पूछ लेते हैं, Fe3O4 पूछ लेते हैं, और इसके साथ में Pb3O4 पूछ लेते हैं। इसी तरीके से आपसे ये वाली C3O2 पूछ लेते हैं, इसी तरीके से Br3O8 पूछ लेते हैं, सही S4O6 डाई नेगेटिव भी पूछ लेते हैं। तो ये एक्सेप्शनल वाली जितनी भी है, CaO Cl2 पूछ लेते हैं, तो ये एक्सेप्शन वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी भी आपको समझ में आ जाए, जहां भी मिल जाए उनको आप याद कर लीजिएगा, याद का मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस करके आप इस चैप्टर को तैयार करिए। बाकी जितना भी रिडॉक्स में है, बैलेंसिंग का बहुत बड़ा रीजन महत्व तो नहीं है, तो बैलेंसिंग हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग तो क्लासेस में जो है 11th 12th में आप ही पढ़ा देते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है आपको, वो प्रैक्टिस आपने देखिए कि मैंने आज ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही डिस्कशन किया हुआ है, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको बताए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इन पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इन पे जो क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों डिस्कशन करूँगा, क्योंकि अब हमारी तैयारी फुल ईयर प्रोग्राम चल रहा है। ये फुल ईयर प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी PGT में बहुत इतनी हेल्प हो जाएगी, शायद बाकी आप अपने घर पर तैयारी नहीं कर पाएंगे। कारण सिर्फ ये है कि आप लगातार बिजी रहते हैं, ये भी मुझे पता है, तो आप थोड़ा सा समय मेरे चैनल को जरूर दीजिएगा, आपकी तैयारी अपने आप में धीरे। कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, उसमें सबसे बड़ा फायदा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का कंसेप्ट आप पर अप्लाई होता रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखते रहिएगा, क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, तो इसलिए वैक्सीनेशन भी कराते रहिए, और वैक्सीनेशन जिन लोगों ने करा लिया बहुत अच्छी बात है, जिनके घर में उनकी छोटी बहनें हैं, या अगर उनके भाइयों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, जो भाई बहन चाचा ताऊ, जिनके भी जो बच्चे 15 साल से ऊपर हो चुके तो उनका वैक्सीनेशन भी कराते रहिए। ये मेरा सिर्फ आप लोगों तक इसलिए संदेश पहुंचाना है कि मैं भी चाहता हूं कि भाई हमारा देश स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहे, और सभी लोग स्वस्थ रहे, तभी हम लोगों का दिमाग भी स्वस्थता से काम करता रहेगा। तो हम फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी जरूर करते रहिएगा। नमस्कार।